खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से जहाँ तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना अंतर्गत टहर किशुनदेवपुर गांव निवासी कालीचरण यादव ने अपनी बेटी की शादी 2 वर्ष पूर्व महाराजगंज थाना के जमेपुर गांव निवासी वीरेंद्र यादव पुत्र रामदरस यादव से की थी। बता दें कि वीरेंद्र का पूरा परिवार उड़ीसा के मांगुली ऑटो नगर पोस्ट चौहावड़ थाना डागी जिला कटक उड़ीसा में रहते हैं, जहाँ पर वीरेंद्र दूसरी शादी का मामला प्रकाश में आया है। वीरेंद्र अपनी सगी मामी से कोर्ट मैरिज 2 साल पूर्व कर चुका था। वीरेंद्र के परिवार वाले दबाव बना करके वीरेंद्र की दूसरी शादी कालीचरण यादव की बेटी शिखा यादव से करा दी। शिखा यादव की शादी के पश्चात परिवार के साथ उड़ीसा रहने लगे। शिखा के पास 14 महीने की एक बेटी है। शिखा यादव का आरोप है कि परिवार के सभी सदस्य शिखा के साथ गलत व्यवहार करते रहे और मारते पीटते हैं, दहेज उत्पीड़न करते हैं, कमरे में बंद कर देते थे, सास साया घर से निकालते और जान से मारने की धमकी, काली ग्लोस देते रहते। 6 मई के लगभग 11 बजे शिखा फोन से अपने पिता से बात की। बताया कि मेरी सास प्रमिला देवी, पति वीरेंद्र यादव, जेठानी चांदनी तथा ससुर रामदरस मुझे 2 दिनों से कमरे में बंद करके मारपीट रहे हैं। मेरी मोबाइल भी छीन लिए थे, परंतु किसी तरीके से मुझे मेरा मोबाइल मिला है। मैं आपको फोन कर रही हूँ, मुझे बचा लीजिए या लो मुझे मार डालेंगे। शिखा यादव ने उसकी सूचना त्वरित थाना टागी जनपद कटक उड़ीसा पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर पहुंचे और शिखा को तत्काल कमरे से बाहर निकलवाए। थाना अध्यक्ष ने रामदरस को हिदायत दी कि शिखा तुम्हारे यहाँ सुरक्षित नहीं है, शिखा को उसके माता पिता के यहाँ उनकी अभिरक्षा में छोड़ दे। रामदरस आज प्रातः 8 बजे कप्तानगंज शिखा को छोड़ करके जाने ही वाला था कि ग्रामीणों की मदद से लोगों ने रामदरस को दबोच लिया और उसे कप्तानगंज थाने में ले गए। शिखा के परिवार वालों की मांग है कि आरोपी गणों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिखा जी, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ मेरे सास ससुर, मेरी जेठान, देवर मुझे मार पीट रहे थे। क्यों, कारण क्या था? मेरे पति मामी को रखे हैं। मामी? अच्छा, यार आपको पता चला? हमको पता, शादी से जब शादी होके गए थे यहाँ से तो थोड़ा बहुत मालूम चला था। अच्छा, उसके बाद आपने कभी इसकी शिकायत और परिवार वालों को बताया था? नहीं। अपने हमारे वालों को आपने बताया था? उसके बाद लोग बार बार आपको मारपीट करके और दहेज उत्पीड़न का मामला भी था। दहेज भी मांग रहे थे? यस। और रात में कभी सुन रहे थे कि कभी कोई बता रहा था कि आपको, मतलब आपको कमरे में बंद कर दिए थे, मारे पीटे, खाना बंद दे रहे थे? यस सर। हाँ, ऐसा क्या था बताइए? सूचना देने के बाद कौन कौन चक्कू पहुँचा था वहाँ पे? यस सर। तो क्या चाहते हैं आप, जैसे आप क्या इस समय चाह रहे हैं? जैसे आपका पति दूसरी औरत रखा है तो आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं? उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और मामी को कोर्ट मैरिज किया ना? यस सर। मामी को छोड़ने की बात तो नहीं कर रहा है वो? नहीं। तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे? क्या चाहते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो? यस सर। कड़ी से कड़ी? यस सर। चलो ठीक है। मैं कॉल करूं? मेरे आपके पास बच्ची भी है ना? यस सर। आपकी सास भी कहती थी मतलब खाना खिलाओ के? और कुछ बताना चाहते हैं? सही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसे किसी टाइम बेटी के साथ ना हो। साम देखे सामने। अच्छा, आपकी लड़की की शादी कहाँ हुई, किसके हाथ की थी? आप बता रहे थे कि एक मामला दहेज उत्पीड़न और सारी चीज़ों से लेकर के जमीरपुर रामदरस नगर निवासी रामदरस यादव हूँ, उड़ीसा में कारोबार है, वहीं रहते हैं। अच्छा, आपकी लड़की को छोड़ने की बात चल रही थी? जी। उन्होंने मतलब कि प्रताड़ित किया और दहेज उत्पीड़न मासिक प्रताड़ना से लेकर शारीरिक बंद कर कमरे में बंद करके रखे थे? रखे थे। तो क्या मामला हुआ, आपने कप्तानगंज थाने में FIR किया? FIR दर्ज किया। कार्रवाई की मांग कर रहे पुलिस से, इनके विरुद्ध क्या दहेज उत्पीड़न का मामला?
कई तरह के, जैसे आप आपको पता होना चाहिए, आपने बताया था कि ऐसे लोग बता भी रहे हैं, चर्चा का माहौल है कि लड़की की लड़का इनका पहले भी शादी कर चुका था, जाल साजी से मतलब दूसरी भी शादी कर ली, एक लड़की दूसरी शादी करके धोखाधड़ी से करके फंसाने का काम किया, काम किया। अच्छा, और दहेज मांग रहे थे, कहे तुम्हारे पिताजी क्या दिए हमें, और क्या 10 लाख या 5 लाख जो होगा खर्चा चक्का मांग चार चक्के की मांग हम चल रही है, तुम्हारे बाप क्या दिए हैं, छोड़ना चाहते हैं किसी जी, छोड़ना चाहते हैं शादी, चार चक्का दे और पैसा 5 लाख नकद और दे, 5 लाख रुपये चार चक्का की मांग कर रहे थे, इसीलिए प्रताड़ित करते हैं। मैंने अपना शादी खेत बाजी बेच करके किसी तरह से किसी तरह शादी की है। हाँ चलिए ठीक है। तार किशन देवपुर आजमगढ़ के निवासी हैं, कप्तानगंज PS, और हमारा कारोबार उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में कटक में भी है मेरा कारोबार, और वहाँ का भी मैं निवासी हूँ, और हम रामदरस यादव के लड़के बीरेंद्र साहु से हमने शादी करवाया था, इस बच्ची की इसकी लड़की है ये झीनक यादव, कालीचरण यादव, काफ़ी गाँव से हमारे घर के सामने उनका घर है, उनकी बच्ची का हमने शादी करवाया था, शादी होने के कुछ महीनों बाद ये पता चला कि लड़का और एक शादी किया है पहले से, और लड़की को प्रताड़ित करता है, बार बार ये लोग टॉर्चर करते हैं, बार बार लड़की हमको बोलती है, उसके बाद हमने बहुत समझाया बुझाया लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, एक दिन ये लोग उसको घर में बंद किए थे, और हमारे यहाँ लड़की फ़ोन की, हमने टांगी थाना में फ़ोन करवाया और 112 पे भी उड़ीसा में रिपोर्ट की दर्ज करवाई, वहाँ से भी कॉल बैक आया था, उसके बाद इन्होंने टांगी थाना के प्रेशर से इन्होंने वहाँ से इसको लेकर के कप्तानगंज बाज़ार में छोड़ के भागने के फिराक में थे, उसके बाद हमारे गांव के लोग इनको पकड़ के घेर लिए और कप्तानगंज थाना में इनको दे के कुछ दिनों के लिए समझौता का बात चल रहा था, लेकिन आज उसको ये हो रहा है, जैसे बात बनी समझौते की नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बन पाई, नहीं बन पाई, तो आप लोग दहेज उत्पीड़न और क्या क्या ये तो मांग ही रहे हैं, चार चक्का मांग रहा था ये, अच्छा ये चार चक्का मांग रहे हैं जी, अच्छा तभी मारते पीटते जी, तो आप वहाँ करीब से हैं मतलब आपको कैसा, हाँ।